अरे पिछला सरकार तो ये किया जो चावल सस्ता था, आटा सस्ता था, अभी 25 रुपया चावल मिल रहा है, 15 रुपया आटा मिल रहा है। रोड की वजह से आपके कोई फायदा नहीं मिल रहे? रोड से हम लोग को क्या फायदा? आपको क्या लग रहा है कि लालू जी आए तो कुछ फायदा होगा आपको? कोई सरकार आएगा फायदा किसी को नहीं, हम लोग को अथी मिले जैसे अपना चल खाएगा वो लालू जी से या नीतीश जी से कोई फायदा नहीं। जब कोई मंत्री आएगा तो खूब बिजली है, मंत्री गया चला बिजली चला गया सीधे, कोई दोस्ती नहीं बिजली का, ऐसा भी नहीं यहाँ का। किस चीज का विकास हुआ है, कहाँ इंडस्ट्री लगा है, कहाँ क्या हुआ है? ये सिर्फ जो है रोड बन जाने से तो डेवलपमेंट नहीं हो गया। सेंट्रल का फंड आया वो जो है ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का डेवलपमेंट जो हुआ वही है कि इनका मुद्दा है कि हम बहुत विकास कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत इम्प्रूव है। बीजेपी के बीजेपी अगर नीतीश जी के साथ है तो मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिलेगा, यादव का वोट नहीं मिलेगा उनको और पासवान का नहीं वोट मिलेगा उनको। जो इधर का मुस्लिम पासवान जी को थाड़ा छादा इसे देते है ना, तो फिर किसको वोट देगी ये MY जो लालू की है? MY समीकरण जो है वो तो हमेशा से लालू जी की है, लालू जी की भी देगी।